सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पापा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुकी है सुबह और अभी आप देख रहे हो, दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए थे। उसका रीज़न है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आए बीच में। और अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग किया क्योंकि मैं जस्ट अभी उठी हूँ सो के। और बहुत से तो हैं जो बोलते हैं कि मुंह भी नहीं धोया, मुंह तो धो लेती, व्लॉग स्टार्ट कर लिया ये और वो। तो भाइयों, जो जैसे है ना वो वैसे ही रहेंगे। और ये वैसे भी मेरे व्लॉग जो होते हैं वो विदाउट फिल्टर होते हैं, कोई फिल्टर नहीं होता उसमें। और जब हम सो के उठे तो सो के उठे ही है, उसमें कोई वो नहीं है। और चीज़ तो मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने अभी सो के ही उठी हूँ और जस्ट अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली हूँ। पता नहीं, दो तीन दिन से पैरों में दर्द, सर में दर्द बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं अभी एक दो दिन ही ब्लॉग बनाए थे। उसके बाद फिर मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और जो बनाए थे, जो यानी कि अपलोड किया है, वो भी बाद में अपलोड किया, पेंडिंग थे तो फिर अपलोड कर दिए थे। और कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए, ऐसा कुछ टॉपिक नहीं था तो फिर ब्लॉग भी नहीं कर पाई। और अभी एक दो दिन बीच में कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मिलने के लिए घर पे भी आई थी, मैं उनके साथ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि जब वो आए थे मैं खुद रजाई में लेटी हुई थी। उन्होंने आके भी यही चीज़ बोली थी कि हाँ आराम से बढ़िया मजे से रजाई में लेट हो। लेकिन रजाई में इसलिए लेट रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज तो पता नहीं, साथ में सुबह सुबह दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, दब गया शायद सोते टाइम ही हाथ। और अभी दक्ष मेरे पास है तो दक्ष ने हाथ बहुत ज़्यादा दबा दिया। चलो देखते हैं आज क्या ही शेयर। हवा खराब हो गई, ठंडी हवा चल रही है तो ग्लव्स पहन लेकर ना, जरूरी है तो सुबह ही मंगाना। आज लेके आ गए तो जोर पड़ गया। जब पापा लेके आवे जो कुछ भी प्रॉब्लम होती, पापा ना हो ना, पापा सुबह के टाइम रात रुके तो आए ना भी, इसलिए आज ये दूध लेके आया तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अरे यार जब पापा लेके आवे, वे भी तो सुबह सुबह ऐसे ही लेके आई सी ठंड में। आराम से दक्ष तो बोल रहा मम्मा चलो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। मन का नहीं बेटा, मेरे तो पैरों में वैसे ही दर्द हो रहे हैं। नानू के साथ तो ये चला जाता है लेकिन मैं नहीं जाती भाई, मेरे बस की नहीं इतनी दूर जाना, वो भी पैदल, उससे तो बिल्कुल भी नहीं चला जाता। मुझे तो अपने धूनी मंदिर तक जाने के लिए भी सवारी चाहिए। चलो तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद, कर लेते काम। अब कहीं जाना होगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। या फिर कुछ भी, आज का अभी कोई प्लानिंग नहीं है मेरी कुछ भी। कभी कभी होता है कि कोई प्लानिंग नहीं होती, अचानक करते हैं। मेरा गुड बॉय बच्चा देखो, किस बात की शर्म, अच्छी बात है। नो कह रही है मम्मी टॉयलेट कर दिया मुझसे तके। और काका रही है ये उनका। अरे मैया हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है चूहे ने, सच में देखो यू ड्रॉ खा लियो संता सही हो इनको। आज इनका सस्ता है तोड़ो ही तेरे। मैंने तो व्लॉग भी नहीं बनाया जबकि मैं बोल रही ये किस चीज के लिए, जिनके लिए मैं बोल रही थी वो आ चुके हैं। और मंजू की कॉल आई, उससे सॉरी बोल देना, कॉल भी रिसीव नहीं कर पाई। इसको दे दो मेरे हिस्सा, ले अपना पैसा। तन्नक सा हिस्सा। हां मैं आपको अपनी चीज खिलाता हूं ना, जब भी ये मना करता जब कोई घर पे आवे बच्चे बिस्कुट नमकीन में ऐसी गुतो सा। सच सच बता दा। ओ भाई चटनी, अरे ये बची हुई चाय बना दिए। दक्ष
पत्थर मार रहे हो? हैं और मेरे यहाँ लगाओ वो बंदर तो मेरे खाट के बराबर में से निकल गा। गया अब तो वो लगी वीडियो कैसी लगी? अच्छी दिखाई एक बार स्टोरी थी। तो आज मैंने सूरज एक वीडियो ढूंढ के दी है जो सूरज पे भी नहीं, आज दिखाएंगे। देखिए लसन लग गया तूने लगाई बैग स्टोरी लगा रखी थी ना। ये सूरज पसंद नहीं गाड़ो तुझे शकल मैच हो रही है सूरज की। और तेरी शादी वादी कर लिया? नहीं किसी और के। शादी से तो लोग जले बैठे मेरी। ऐसे मतलब बुरे टाइम में भी आवे ना जब भी सब पापा पूछे, अरे पापा ने मुझसे मना करी कि कुछ भी मत बोलियो, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ। अब देखूंगी मैं उन बिचौलिया ने वे कहाँ दुबके बैठे हैं। कौन खोल के सुन लो बिचौलिया, विकास विशाल का रिश्ता ना हुआ पर अब जरूर लेकर आना। जो मैं अब देखना चाहती हूँ बिचौलिया जो मम्मी से पापा से मेरे दोनों भाइयों से, यार तुम्हारा रिश्ता होगा? किसी ने तो विशाल तो ये तक कही तुम्हारा रिश्ता होगा, कोई रिश्ता वाले आए? फिर मैंने सोची था मैं दिखा दूं, पर मैंने सुनी था हमारा रिश्ता होगा। तो ऐसा कुछ भी ना, ना रिश्ता हुआ ना कहीं कोई अभी बात। और अब मैं जरूर देखना चाहूंगी वे कहाँ छुपे बैठे हैं, अब जरूर आना, मैं भी मिलना चाहूँ उनसे। मेरे पापा ने इतनी डांट लगाई मुझे इस बात पर, कह रहे तेने सारे में अफवाह कर दी, मेरी मम्मी अलग। क्या हो रहा? अब आइए तो वीडियो बनवा रही मैं अपनी। चल 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 तो अब टाइम मिलो सुबह से। आ जा तसल्ली पकड़ ले 2 मिनट को। हाँ आ गई खड़े, कितनी ट्रैफिक, आज तो बहुत ट्रैफिक है हमारी गली में। कल के लिए मंदिर सजगा भी सही है ना, कल के लिए भी सही डेकोरेशन होगी। अभी नाम निकालता होएगा कुछ भी निकालता हो, निकालता होएगा। या कहीं जाना हो 12 बजे तो अगली डिसाइड करती है, और मैं 12 बजे वहां पहुंच जाऊं अगर मुझे कहीं जाना हो। मम्मी कर के आएगी तो मम्मी कह रही सो सो के जाना। और पागल है एम की गाड़ी। अच्छा आज तो स्थल पे है ना प्रोग्राम, स्थल पे बढ़ते ही जोश आ गया है। ये गौशाला है, बैठ जा सुनो महाराज बाहर ही लिकड़ का जा, तुके कोई भूत लिया आगे देख के। हम अपने स्थल मंदिर भाई मैं ना हूँ यू ये बर्ती में ना। ए भाई ओती आराम से झेल ना पाए, देख अरे मैया ए भाई इतनी लेट भंडारा स्टार्ट हो रही, इतनी जल्दी खत्म हो गए क्यों? और गौशाला कौन हूँ बताओ पहले? यू जो झंडा लग रहे हैं ये तो मजोड़े तो जोर बनाया ना घूमने आ। ये मेरा जैकी भैया है, आज आएगा तो उद्घाटन करेगा। हाँ मुझे पता है उद्घाटन। कल खीर का भंडारा कल आ जियो बावली। ना ना खीर खाऊंगी मैं। ओए 22 जनवरी है ना कल तो। हां तो इसीलिए खीर राम मंदिर तक खीर कौन से रखवा आ रहा हूं इसीलिए तो खीर अच्छा खीर का भंडारा कर रहे हैं इसलिए पहले हमारे स्थल पे खीर को भंडारा। जिस किसी आना हो आ जाइए, आज हमें आना है लेकिन हम लेट हो गए। सही बात है, हर किसी को बनवाए जाओ। ये भाई नहीं मोहल्ले ये मुझे ही लग रहा, चुप रहे ये अभी हुआ भाई, ये मुझे ही लग रहा।
अभी हुआ तालाब बंद कर दिया। हाँ मैं यही तो कह रही, हम आए हम देवी डालने, देवी डालने जोड़ बंद कर दिया तो बनाता दिया, वो बना दिया काम कर दिया। अरे माता भी देख ले सही हो, पहले मक्खी खा रही है हमारे पामन में। तरक्की आ गई किरण जी की गायन की। अच्छा लग तो रही वीडियो में, तो मैंने गाय की देखी और लगेंगे भाई अभी। अच्छा ये जो बीच में छोड़े हाँ वीडियो में, ये जो पेड़ छोड़े है ना बीच बीच में, इनके ऊपर हल्की हल्की घास उठाकर ऐसे ऐसे पत्थर जमा के बढ़िया 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 कर लो बढ़िया। वे वाली तस्वीर न दिख रही, वे वाली तस्वीर इसमें क्या करेंगे? कहाँ जोड़ में कहाँ भाई कहाँ दिखेंगी वे वाली तस्वीर जो गाय? अच्छा हाँ ऐसे जानो, अच्छा ऐसे प्रीति इसमें पानी रहेगा, वो वहाँ पे घास रहेगी, मूर्ति धरी जाएगी। देखो इसे वो एक चल रही है जो हल्का सा धक्का मार दे नीचे गिरेगी जाकर। अगर मैंने तो गिर दी उठाएगी भी ना, नाते लौट न जिले मुझे। वीडियो देखी आज उद्घाटन है ना गौशाला का, तो इसलिए देखो हम आज ही आ गए। कह तो रही हाँ मुझे पता है, मैं सुबह इसलिए तो आना चाह रही, पर तू तो मर रही ना कहीं, तो फोटो वीडियो चल रही है अभी भी। मस्ती में डोले जय हो कन्हैया महाराज, मतलब तू जय करे डरावे लोग नहीं बता दे। फोटो वोटो खींच रहे हो? खींच लो, ऐसे डर गए खींच लिया भैया पागल है। काका के दांत खराब कर लिए सारे हैं। अरे क्या कर लिए कलवे दांत खराब हैं? ये मेरे लगा कर मुंह पे भाई पागल। ओ भैया रुको 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 एक मिनट रुको, मुझे अभी एक वीडियो बनानी है। आज ये मूर्ति यहाँ पे लगी है और ये जोड़ नया बन गया जिसका मुझे नहीं पता था। आज हमारे यहाँ पे वो तो थी, मतलब गौशाला का उद्घाटन था जैसे कि आपने सुना, भाई अभी बता भी रहे थे। और देखो जोड़ में पानी भी चला दिया, पहले जोड़ वहाँ पे था, मैं आके यही चीज देख रही हूँ, इनका पहले तो जोड़ वहाँ था, आज पता नहीं यहाँ कैसे तो भी नया बना है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। और गौशाला है और कल भंडारा होएगा जिसमें शीतल आज तो बढ़ती है, आज ना आ पाई इसलिए कल खाएंगे। शीतल अब पतली होएगी क्योंकि कल हमारे राम आएंगे है ना, और हम डाइटिंग करेंगे राम भगवान की खुशी में। हाँ बिल्कुल डाइटिंग करेंगे और कुछ अच्छा काम करे तो लगे भी लगे। हाँ भाभी अभी आप बंद कर लो, आज हाथ तो जोड़ ले। मोटी हो गई हो, पतली हो गई। आजा बहन आजा जल्दी आजा। मम्मा पापा मम्मी बुलाई मेरी शीतल। हे बाबा सच में बैठे हो ऐसे मैनू सोची तस्वीर लग। भैया नमस्ते, मुझे तो एक वीडियो बनानी है। कौन बना? ना पर जुराब गिली हो जाएंगी फिर आऊंगे। अच्छा। सारे में गिलो गिलो मैं सच में ही नहीं सोच रही, ये बाबा बैठे वैसे ही तस्वीर। जैसे कि आप सबने सुबह देखा, मैंने बोला था मेरी कोई तैयारी नहीं है आज, मुझे मेरा मन था अस्थल मंदिर जाने का और मैंने सुबह विक्की को बोला मैंने कहा मुझे जाना है, पर वो ये उसने क्या किया, वो मुझे ही नहीं लेके गया और पार्थ को लेके चला गया। मेरा इतना मूड ऑफ हुआ, मैंने कहा तू मुझे क्यों नहीं लेके गया जबकि मैंने तुझे बोला था कि मुझे जाना है, लेकिन वो मुझे लेके ही नहीं गया। और इस शीतल को भी मैंने सुबह मतलब कॉल की थी, इसने फिर रिसीव नहीं की, फिर मैंने इसे बोल दिया था, मैंने कहा आज वहां चलेंगे
लेकिन इसका भी आना नहीं हुआ। फिर मेरा इतना मूड ऑफ हो गया, मैंने कहा ठीक है दोनों के दोनों ने, वही औरों को क्या कहूँ अपने ही धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मुझे कहीं जाना ही नहीं है। फिर मैं अपने शाम का खाना वाना बनाने में बिजी हो गई, और जब शीतल आई थी फिर मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, मुझे एक दो वीडियो बनानी थी, फिर मैं अपनी वीडियो बनाने लगी। फिर आई कह रही नहीं अब चल अब चल, मैंने कहा अब मुझे बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन आज एक अच्छी बात पता चली मुझे वहाँ पर जाने के बाद में कि हाँ मतलब आज गौशाला का उद्घाटन था और कल भी है, क्योंकि कल आपको पता है राम भगवान आ रहे हैं तो दिवाली मनाई जा रही है, उस खुशी में यहाँ पे वो है। और आपने देखा हमारे यहाँ स्थल मंदिर है, बहुत अच्छा है वो, आपने आज देख भी लिया। और वहाँ पे आपने पहले भी मेरा व्लॉग देखा होगा, उसका मेरा एक व्लॉग और पहले का है जो पृथ्वीराज चौहान जी उनकी देखा होगा, जो हमारे यहाँ पे मूर्ति रखी गई थी उस टाइम भी मैंने व्लॉग बनाया था। और आपने आज फिर से देख ली वो मेरे में, आज फिर एक नई चीज़ देख ली कि मुझे खुद नहीं पता था वहाँ पे जोड़ नया बन गया, जो मैंने भी आज देख लिया और वहाँ पे भी बहुत अच्छा हो गया वो। और सुबह हवन ववन भंडारा हुआ था, लेकिन मेरा मन था जाने का, मुझे आज जाना था वहाँ पे, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँगी वहाँ पे जाके। फिर मूड सा ऑफ हो गया, फिर मैं इस तरीके से गई नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ब्लॉग का कैप्चर तो मेरा लेना ही है, मेरी सुबह से ब्लॉग तो मेरा चल ही रहा था। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, जैसा कि आप सबने देखा मैं विक्की के साथ जाना चाह रही थी और शीतल के साथ, दोनों ने पहले मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरी फ्रेंड फिर भी अच्छी निकली, भाई से तो ज़्यादा बहुत अच्छी है जो आई फिर भी मेरा ख्याल रखते हुए, और फिर मुझे घुमा के भी लेके आई अपने साथ। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था आज तो हमारी गली में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो आप सभी को जय श्री राम, आप सब जरूर अपने घर दिवाली मनाएं, जिस तरीके से हम दिवाली मनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें 22 जनवरी को मनानी है, क्योंकि राम भगवान अयोध्या आ रहे हैं। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को और जय श्री राम, बाय बाय।